हेलो फ्रेंड्स, और फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग लोन एप्लीकेशंस के ऊपर में। जितने भी चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पे चल रहे हैं, क्या आपको उन सबका पेमेंट कर देना चाहिए कि पेमेंट नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को करेंगे शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस चैनल पर लगातार ही वीडियोस आ रहे हैं कि लोन एप्लीकेशंस वालों का जो लोन है वो पेमेंट नहीं करने के लिए, क्योंकि जितने भी लोन एप्लीकेशंस वाले हैं वो चाइनीज़ लोन एप्लीकेशंस वाले हैं। दो तरह के लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, एक RBI से ही रजिस्टर एप्लीकेशन है जो कि रियल है, और दूसरा जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन 2 मिनट में लोन प्रोवाइड करते हैं वो सब के सब फेक एप्लीकेशंस हैं। तो इस केस में अगर आप लोग किसी भी फेक एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ चुके हैं और अगर आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि ये जितने भी एप्लीकेशंस वाले हैं ये सब आपको एकदम ही बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और साथ ही में स्कैम है और ठगने का काम करते हैं। लगातार आपको ऐसा न्यूज़ देखने के लिए मिल रहा होगा और ऐसी रिपोर्ट भी लगातार आ रही है कि इस सब एप्लीकेशन से बहुत ही ज़्यादा आप लोग दूर रहें और बच के रहें। और अगर आप किसी भी इस तरह की एप्लीकेशन के चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर ध्यान से सुनिए कि ये लोग क्या करेंगे। ये लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेते हैं, आपके फ़ोन की गैलरी को हैक कर लेते हैं, आपके फ़ोटोज़ को हैक कर लेंगे, आपके पर्सनल डाटा को हैक कर लेंगे और उन सबको लीक करने की कोशिश करते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स को वो लोग खूब ज़्यादा कॉल्स करेंगे और साथ ही में व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, वो भी बहुत ही गंदे गंदे मैसेजेस करेंगे और आपको भी बहुत ही गंदे मैसेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे इन सभी एप्लीकेशंस की तरफ से। 200 से भी ज़्यादा अभी ऐसे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन चल रहे हैं जो कि एकदम ही चाइनीज एप्लीकेशन है, फेक एप्लीकेशन है। उन सबका लिस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने कह दिया कि जितनी भी एप्लीकेशन फेक हैं सब पे वीडियो मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी उस तरह की एप्लीकेशन के चक्कर में हैं तो 1 रुपये पेमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि ये लोग आपको पेमेंट आपसे लेते ही जाएंगे और कभी भी आपको पेमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आप इसका पेमेंट कर देंगे फिर से ये कहेंगे कि पेमेंट कीजिए, नहीं तो मैं फिर से आपके कॉन्टैक्ट पे ये भेजूंगा वो भेजूंगा। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरे। लगातार ऐसे जो भी एप्लीकेशंस वाले हैं उन सबको बंद किया जा रहा है, प्ले स्टोर से बहुत ही जल्द हटाया जा रहा है। लगभग कोई भी एप्लीकेशन आती है तो 2 से 3 महीना ही रह पाती है प्ले स्टोर पर, उससे ज़्यादा वो रह नहीं सकती, क्योंकि जानती है कि वो चाइनीज़ है, फेक है। वो लोग अपना आती है, बिजनेस करती है और फिर जैसे ही पता चलता है उनके बिजनेस का वो एप्लीकेशन वाले हट जाते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें कि लोग जो है वो मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। तो परेशान होने की भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसी वाली कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, बाकी लोग समझ सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। कोई भी सिचुएशन हो आप लोग डरिए नहीं, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देर फेस कर लीजिए और उसके बाद जो टाइम है थोड़ा दिन आप वेट कीजिए और देखिए कि फिर उसके बाद वो लोग आपको तंग करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि उन लोग से कोई भी कॉन्टैक्ट ना रखें, और साथ ही में ज़्यादा दिक्कत तभी आ जाती है जब कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेते हैं, आपके फ़ोटोज़ को एडिट करके भेजना सेंड कर देते हैं। यहाँ पे लोग हार जाते हैं और यहाँ पे पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, और पेमेंट करते करते कब उन लोगों का कितना पेमेंट 50,000 से 60,000 रुपये हो जाता है उन लोगों को खुद पता नहीं चलता है। किसी से लेके कभी कुछ करके काफ़ी पेमेंट करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, एक व्हाट्सअप नंबर है 8780082240। इस व्हाट्सअप नंबर पे चाहे तो आपके साथ जो भी बातचीत हुई है फेक लोन एप्लीकेशन वाले का, या जो भी वो लोग मैसेज करके वो धमकी देते हैं, चाहे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। हम लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हेल्प करें, और साथ ही में पूरी तरह से बताएंगे कि आप लोग ये इस एप्लीकेशन के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, कैसे आप लोग इसे हरा सकते हैं और इस सब एप्लीकेशन वाले को हटा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं क्या कहूँ कि एप्लीकेशन वाले काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी देते हैं, लेकिन आप तो बड़े बड़े स्टार्स को गाली दे सकते हैं, लेकिन इन एप्लीकेशन वालों से आप लोग डर जाते हैं। पता नहीं कैसे डर जाते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। डरने वाली कोई भी वैसी बात नहीं है। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान ये रखना होगा कि एप्लीकेशन वाले का आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं या फिर FIR कर सकते हैं। 100% जांच की जाएगी इसके ऊपर और इस तरह की एप्लीकेशंस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आपने अगर लोन ले भी लिया तो आपने कुछ गलत नहीं किया है। यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि आपने लोन गलत जगह से लिया, गलत साइट से, गलत ऐप से लिया, दिक्कत ये है। लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोन गलत जगह से ले लिया है इसके लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। फिर से बोल देता हूँ, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सभी एप्लीकेशन को हटाया जाएगा। आप भी कभी अगर इस तरह की एप्लीकेशन के पीछे पड़ चुके हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि कौन सी एप्लीकेशन है, या मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं जो RBI से रजिस्टर्ड रियल एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन वाले आपको ज़्यादातर टॉर्चर नहीं करते हैं, ज़्यादा परेशान उतना नहीं करते, फोटो को एडिट नहीं करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट को ज़्यादा कॉल नहीं करते हैं। वैसा नहीं कि कॉल करते हैं, लेकिन उस तरह से वो लोग गाली गलौज या ऐसा कुछ मिसबिहेवियर नहीं करते जिस तरह की एप्लीकेशन ये करने चाहती है और ये लोग करने जा रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि इन एप्लीकेशंस को जल्दी से इंस्टॉल ना करें और साथ ही में साइनअप तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर जो लोग कर चुके हैं तो वो उसको मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम ही वो रहिए, संतुष्ट रहिए। कुछ ही दिनों की बात है ये एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटाया जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट।